सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार अफगानी गोश्त। तो बकरीद के मौके पर या फिर गर्मी में मटन में स्पाइसी खाने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, तो एक बार ये आप अफगानी गोश्त ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही लाइट स्पाइसेस के साथ और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। तो देख लेते हैं इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स क्या लिए हैं। तो ये 2 किलो मटन मैंने लिया है, कुर्बानी का गोश्त है, थोड़ा सा चिकना है और इस ये हड्डी वाला गोश्त है, मिला जुला सा है। तो सबसे पहले हम गोश्त को फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद इसको बॉईल करेंगे। तो गोश्त को गलाने के लिए हमने प्रेशर कुकर लिया है और क्योंकि मटन जो है वो थोड़ा सा फैट के साथ है, इसमें सिर्फ 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है 2 किलो मटन के साथ। तो आप इससे कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले मैं मटन डाल देती हूँ। इसके साथ मैं डाल देती हूँ 4 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्रेश लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अब हम इसकी करेंगे भुनाई। कम से कम हम इसको 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि गोश्त का जो पानी है वो सूख नहीं जाता और इसका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छे से इसकी हम भुनाई कर लेते हैं। ये भुनाई इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो गोश्त को हमें कलर चेंज होने तक भूनना है या फिर कह सकते हैं फ्राई करना है। गोश्त को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए भून लिया है। इसका काफ़ी पानी ड्राई हो गया है लेकिन अभी कुछ बाकी है। अब डाल देते हैं इसमें हम 2 टीस्पून के करीब नमक और ये 6 हरी मिर्चें हैं, 3 जो है वो कम तीखी वाली थी और 3 तीखी वाली थी, या आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। इनको मैंने रफली चॉप कर लिया था। थोड़ी देर हम ये डाल के भी भून लेते हैं। हमें इसका काफ़ी हद तक गोश्त का पानी ड्राई करना है, ये ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी का ये मेन पार्ट है, दोबारा से बता रही हूँ। तो हाई फ्लेम पर मैं इसको अभी फ्राई होने देती हूँ नमक के भी साथ। तो देखिए गोश्त का काफ़ी से ज़्यादा पानी ड्राई हो गया है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसमें से ऑयल भी अलग होने लगा है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 प्याज जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। मुझे अफगानी गोश्त के अंदर थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है इसलिए मैंने प्याज डाल दी है। आप चाहें तो प्याज डालें, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। प्याज की क्वांटिटी भी आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 2 प्याज डाली है। मिक्स कर देती हूँ और अब हमें गोश्त को गलाना है। तो डालेंगे हम इसके अंदर 1 कप पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। बस तकरीबन 1 कप पानी डाल दिया है। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाऊंगी और मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी दूंगी और उसके बाद 2 फ्लेम पर 8-10 मिनट पकाऊंगी जब तक कि जो गोश्त है हमारा 90% गल नहीं जाता। प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने खोल लिया है और हमारा मटन 90% गल चुका है। अब हमें आगे की प्रिपरेशन करनी है। अब आगे की जो कुकिंग है वो हम कढ़ाई में करेंगे क्योंकि इसमें बनाना जो है भुनाई करना वो इजी हो जाता है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए अब मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहेंगे तो डालें, आप चाहें तो नहीं डालें। मेरी कढ़ाई नॉनस्टिक नहीं है इसलिए मैंने डाला है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 8 ये लाल टमाटर जो खट्टे वाले नहीं है, उनको मैंने चॉप कर लिया है 1 किलो के करीब है ये। और इनको अब हमें गलाना है अच्छे से, ठीक है। तो साथ ही में मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक और डाल देती हूँ। नमक ध्यान से डालिएगा, नमक हम पहले भी डाल चुके हैं तो अब ये पूरा नमक हो जाएगा। ये नमक हमने डाल दिया है, अब हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि जो हमारे टमाटर है वो थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, देखिए एकदम मैशी मैशी हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं कुछ हमारे मसाले, बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं, दिखा देती हूँ आपको। तो 2 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 2 टीस्पून मैंने लिए है कुटे हुए लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के मैंने ली है कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और ये लिया है मैंने 2 टीस्पून या फिर 1 टेबलस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। ये सभी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। नमक हम पूरा पहले ही डाल चुके हैं, अभी डाल के हम थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं।
और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब डाल देते हैं हम इसके अंदर बॉइल्ड मटर जो कि हमने गला के रखा है, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। फिर हम इसे कढ़ाई में हमने पूरा मटन डाल दिया है, लेकिन थोड़ा सा जो इसके अंदर पानी था वो नहीं डाला है और अब हम इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं। गोश्त गला हुआ है, टूट जाता है अगर हम इसको थोड़ा भारी हाथ से मिक्स करेंगे। तो मिक्स कर लेती हूँ फिर आपको मटन में सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम डालेंगे इसमें एक कप भर के दही। दही को हल्का सा मैंने मिक्स कर लिया है, फ्लेम को लो कर देती हूँ और डाल देते हैं हम इसमें एक कप भर के दही। और फिर इसे भी हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स होने के बाद हम अपनी फ्लेम को हाई करके दही का पानी ड्राई करेंगे। तो देखिए मटर हमारा अच्छे से भुन गया है। अब जो हमारे प्रेशर कुकर में थोड़ा सा स्टॉक या यखनी कह सकते हैं बची हुई थी, उसी में सारा ऑयल है, तो वो हम इसमें डाल देते हैं। और इसको हाई फ्लेम पर हम फिर से थोड़ी देर पकने देते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च। इसमें हम डाल देते हैं ये अपनी साबुत हरी मिर्चें जिनको के मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिया है, और बारीक कटी अदरक जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथ से क्योंकि सालन हमारा तैयार ही हो चुका है, और ग्रेवी की थिकनेस आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं कम या ज़्यादा। मेरे हिसाब से ये ठीक है क्योंकि हम इसे रोटी से खाने वाले हैं। साथ ही में अब इसके ऊपर डालूंगी मैं थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। सभी चीजों को अच्छे से हल्के हाथ से लास्ट टाइम मिक्स करती हूँ और बस हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देते हैं और हमारा अफगानी गोश्त तैयार है। तो देखिए तैयार हो गया है हमारा अफगानी गोश्त, कितना जबरदस्त नजर आ रहा है। तो एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।